आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रसिया ढोकला की रेसिपी। आज का ये ढोकला चना दाल के साथ बनेगा और इसे रसिया ढोकला इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये खट्टी मीठी रस के साथ खाया जाता है। बनाने में आसान तो है ही, खाने में बेहद ज़्यादा टेस्टी है। वैसे ढोकला हम बेसन के साथ ही ज़्यादातर बनाते हैं, लेकिन चना दाल का ये ढोकला खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। मुझे ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई, गुजरात में ये बहुत ही फेमस है, तो इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए भी ये रेसिपी मैं लेकर आऊँ। एक बार अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके टेस्ट करेंगे तो आपको ये 100% पसंद आएगी। ये रेसिपी स्नैक्स के रूप में भी खाई जाती है, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को स्किप ना करते हुए एंड तक जरूर देखें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो रसिया ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे ढोकला, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे भिगोया हुआ चना दाल और चावल। दोनों को एक साथ मैंने भिगो के रखा था 5 से 6 घंटों के लिए। अब यहाँ पे मैंने दाल लिया है 1 कटोरी और आधा कटोरी लिया है चावल। दोनों को एक साथ धोकर मैंने भिगोया था, अब ये पीसने के लिए तैयार हो चुका है। तो मिक्सी के जार में मैं इन दोनों को एक साथ पीसने वाली हूँ। अब पीसते समय इसके साथ मैं डालने वाली हूँ 2 ग्रीन चिलीज़। यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया है और 8 से 10 मैंने डाल दिया है लहसुन। अब मैंने डाल दिया है ज़ीरा 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डाल रही हूँ मैं अभी दही। 1/2 बाउल मैंने दही डाल दिया है, थोड़ा सा पतला दही है ये, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है चीनी। सभी को अच्छे से मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। अब ये थोड़ा सा दरदरा लग रहा है मुझे पेस्ट, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो उसी दही की कटोरी में मैंने पानी लिया है 1/2 कटोरी। अब पानी डाल के मैं इसको फाइन पेस्ट बनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स ये। अब यहाँ पर हमारा दाल का जो मिश्रण है बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लूँगी एक बाउल में, क्योंकि इसे थोड़ी देर फर्मेंट करेंगे तो ढोकला बहुत ज़्यादा फूलेगा। अगर आप इंस्टेंट भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर फर्मेंट करने के बाद भी ढोकला बहुत ही बढ़िया बनता है, जाली बहुत अच्छी आती है उसमें। तो अब इसको हम ढककर रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर समय हो तो रख सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, वरना 2 घंटे भी काफ़ी हो जाते हैं। अब मैं 4 घंटों के बाद इसको बना रही हूँ। अब ये ढोकला बनाने के लिए हमारा जो बैटर है पूरी तरीके से तैयार है, तो मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है इसमें। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर जो है येल्लो कलर ढोकले का दिखता है, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो टेस्टी लगता है, क्योंकि टर्मरिक का भी अपना एक यूनिक टेस्ट होता है। मैंने दोनों को अच्छे से मिला दिया है ढोकले के बैटर में। अब ये थोड़ा सा हल्का भी हो चुका है। अब मैं इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच मैं इनो डाल रही हूँ इसमें। बस ज़्यादा नहीं डालना होता है इनो, 1/2 चम्मच ही काफ़ी हो जाता है। इनो डालने के बाद इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेना ज़रूरी होता है, तो मैं इनो को अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें। इसके पहले भी हमने बहुत सारी वैरायटी ढोकलों की रेसिपी हमारे चैनल पे अपलोड की है फ्रेंड्स, एक बार उन्हें भी ज़रूर देखें। हर एक ढोकला यूनिक टेस्ट में भी है और बनाने में भी बहुत आसान है, तब उन्हें भी एक बार ज़रूर देखें। ये मिश्रण तैयार हो चुका है ढोकला बनाने के लिए, तो मैं स्टील के बर्तन में इसे बना रही हूँ। मैंने बर्तन को ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। अब ढोकले का मिश्रण ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का ये बैटर है आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैंने डाल दिया है स्टील के बर्तन में, इसको अच्छे से मैं फैला लूँगी और इसे अब हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। एक बड़ी सी पतीली में मैंने नीचे स्टैंड रखा है, 2 ग्लास पानी डाल दिया है और ढोकले को मैंने स्टीम करने रख दिया है। 20 से 25 मिनट के बाद ये ढोकला बनकर रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं ढोकला बहुत ही बढ़िया फूल चुका है और ये पूरी तरीके से पक चुका है, क्योंकि टूथपिक डालकर हमने चेक भी कर लिया है, ये चिपक नहीं रहा है, तो ढोकला तैयार हो चुका है। ढोकला अब ठंडा भी हो चुका है, तो इसे निकालेंगे एक प्लेट में और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ढोकले के ऊपर कितनी बढ़िया जाली आ चुकी है, ये फूल भी चुका है, ये सॉफ्ट भी हो चुका है। और एक छोटी सी कटोरी चना दाल के साथ हमने इतना सारा ढोकला बना लिया है, तो क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा बन जाता है ये। 4 लोगों की सर्विंग के लिए आराम से इतना ढोकला काफ़ी हो जाता है। तो मैंने ढोकले के पीसेस भी यहाँ पर बना लिए हैं।
स्क्वायर शेप में ही मैं इनको काट रही हूँ और आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ ढोकले के अंदर कितनी बढ़िया जाली आ चुकी है। तो यकीन नहीं होता है ना कि चना दाल को भिगो के हमने ये ढोकला बनाया है जिसमें कितनी सारी जाली भी आ चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी बन चुका है ये ढोकला। तो इसको मैं सबसे पहले तो कट कर लूँगी ताकि ये और ठंडा हो जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त बन चुका है ये ढोकला। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप भी इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी ये ढोकला पसंद आएगा। और सॉफ्ट तो इतना कि बिल्कुल मतलब ये क्रम्बली नहीं होता, ये ढोकला बहुत ही बढ़िया बनता है। अब हम बनाएंगे रस जिसके साथ हम ये ढोकले को खाने वाले हैं। 20 ml मैंने ऑयल डाल दिया है एक पैन में। अब मैं डाल रही हूँ एसाफोइटिडा यानी कि हींग 2 pinch, थोड़े से राई यानी मस्टर्ड 1/2 चम्मच। राई को अच्छे से क्रैकल करना ज़रूरी होता है। 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा। अब सब कुछ क्रैकल हो चुका है अच्छे से, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक। 5 to 10 क्लोव्स मैंने गार्लिक को चॉप करके डाला है। अब करी लीव्स मैंने डाल दिया है उसी ऑयल में, और इस तड़के के लिए जो होता है ना ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता है। अब इस रस को आप खट्टी मीठी चटनी के साथ भी बना सकते हैं, जो कि मेरे पास ये खट्टी मीठी टैमरिंड की चटनी है, मैं उसी को डाल रही हूँ 2 चम्मच। लेकिन आप टैमरिंड पल्प के साथ भी बना सकते हैं, बाद में थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं उसमें। अब मैंने डाल दिया 1 चम्मच बेसन, ताकि ये जो रस बनेगा वो थोड़ा सा गाढ़ा बनना चाहिए, तो उसमें बेसन डालना ज़रूरी होता है। अब मैंने सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके उसमें पानी डाल दिया है। रस उतना ही बनाए जितना ढोकले के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है, इतना रस काफ़ी हो जाएगा जितना हमने ढोकला बनाया उसके लिए। अब मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसमें डाल दिया है तीखापन लाने के लिए, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने कलर के लिए डाला है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया है, और टेस्ट के लिए मैंने नमक डाल दिया है इसमें। तो हमारा ये खट्टा मीठा रस बनकर रेडी हो चुका है। इस रस में हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी यानी कि टैमरिंड चटनी यूज़ की है। आप चाहे तो टैमरिंड पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आप चाहे तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं अलग से दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या फिर खट्टी मीठी चटनी भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मैंने चटनी का यूज़ किया है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा रस उबल चुका है, इसमें जो डाला हुआ बेसन वो भी पक चुका है। तो चलिए सर्व करते हैं बढ़िया सा रसिया ढोकला। आप चाहे तो इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, जैसे कि पहले प्लेट में ढोकले को रख दिया, उसके ऊपर गर्मा गर्म रस को सर्व कर दिया, क्योंकि ढोकला ठंडा है तो उसके ऊपर आप गर्म रस भी सर्व कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गुनगुना रस भी सर्व कर सकते हैं, या फिर इसको आप अलग से भी दोनों चीज़ों को अलग अलग भी सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये रसिया ढोकला की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली एक भी नई रेसिपी मिस ना हो। इस रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बार फिर से मिलूंगी एक बढ़िया सी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।